हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो सुबह के 6 बज रहे हैं और हम लोग 4 बजे आए हुए थे घर से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे चल रही है कटाई गेहूँ की, और ये देख लीजिए सभी लोग गेहूँ कट कर रहे हैं। और मैंने यहाँ पे पहन रखा है शर्ट, क्योंकि यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है और हाथ भी छिल जाते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे हमको शर्ट पहनना पड़ा। और आप लोग देख सकते हैं इतना बड़ा खेत है। तो ये आज जो है तीसरा दिन है, तो तीसरे दिन में इतना कटा हुआ है और अभी जो है बाकी भी है, इतना सारा बाकी भी है कटने के लिए। अभी जो है एक दूसरा खेत है, तो अभी हम लोग इसको कट कर रहे हैं, क्योंकि 3-4 बजे आ जाते हैं तभी जो है ये काम हो पाता है खेत का। नहीं तो ऐसे क्या होता, धूप होने लगती है फिर कोई काम नहीं हो पाता है। तो इसकी वजह से अभी हम लोग 7-8 बजे तक कट करेंगे और उसके बाद फिर घर जाएंगे, फिर चाय पानी करेंगे, क्योंकि 3-4 बजे आ जाते हैं सभी लोग। तो आप लोग देख सकते हैं अभी काफ़ी ज़्यादा ठंडा मौसम है और कटाई करने में भी अच्छा लगता है अभी। और फिर अभी जो है हम लोग काम कर लेते हैं और फिर घर में चल के मिलते हैं। तो पहले यहाँ का काम निपटा के तभी चलेंगे घर हम लोग। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सारे लोग गेहूँ कट कर रहे हैं और यहाँ पे जो है सभी लोग 4 बजे आ गए थे, क्योंकि ये कटाई पिटाई के काम जो होते हैं सुबह ही होते हैं, तो इसकी वजह से 4 बजे सारे लोग आ जाते हैं। गांव के सारे लोग 4 और 3 बजे भी बहुत लोग चले जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेड़ पौधे काफ़ी हैं, तो इसकी वजह से ठंडा मौसम है, सुबह का मौसम है तो ठंडा तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे अभी थोड़ी देर हम लोग और मतलब कटाई करेंगे, क्योंकि थोड़ा ही खेत बचा हुआ है और ये पहला खेत अभी काटा जा रहा है और दूसरा अभी बाकी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सुबह का समय है तो काफ़ी अच्छा है और सूर्य भगवान उदय हो चुके हैं। तो अभी जो है सूर्य भगवान उदय ही हुए हैं, तो अभी आप लोग देख सकते हैं थोड़ी देर और काटेंगे, क्योंकि ये इतना ही खेत बचा हुआ है तो इतना ही काटना है। और बहुत मुश्किल होता है कि जब कभी कभी काम पड़ता है तो काफ़ी दिनों के बाद हम लोग अपने हाथ से जो है खेत की कटाई कर रहे हैं। और पहले जो है इतनी खेती नहीं थी तो इतना ज़्यादा नहीं कटाई करनी पड़ती थी, लेकिन अब क्या होता है कि अब काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो इसकी वजह से काफ़ी कटाई करनी पड़ती है। और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम लोग बैठ गए थे, आराम कर रहे थे, क्योंकि ये गुड़ लेके आए हुए थे खेत में। तो क्या होता है, ये कह रहे थे खा लो, हमने कहा अभी नहीं, मैं खाऊंगी, क्योंकि मैंने पेस्ट नहीं किया है तो इसकी वजह से मैं नहीं खाऊंगी, आप ही खा लो, इससे गर्दा मिट्टी से आराम होता है खाने से। खेत हमारा कट चुका है और अभी दूसरा खेत बाकी है, तो उसमें जो है हम लोग कल से काटना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा बचा हुआ है, तो आयुष काट रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा बचा हुआ है। और हम लोगों को अभी घर जाना है, क्योंकि घर में भी सारा काम पड़ा हुआ है और 4 बजे रात में ऐसे ही आ गए थे, तो अभी जो है घर का भी काम करना है। और यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी जो है ठंडा मौसम है और अभी सुबह के 8 बजे हुए हैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे क्लस्टर खड़े हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे पेड़ पौधे हैं तो छाया भी है, तो आप लोग देख सकते हैं ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और जाने का मन अभी बिल्कुल नहीं है, लेकिन घर में भी करना है। और अभी जो है यहाँ पे थोड़ा सा काम है, ये जो गेहूँ कट गए हैं तो ये लोग इनको बांधेंगे, तो अभी इनको जो है 1-2 घंटे लगेंगे। तो हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि अभी जो है हमको खाना भी बनाना है और चाय भी बनानी है, तो इसकी वजह से हम लोग चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो है हम लोग चल रहे हैं, फिर घर में ही चल के आप लोगों से मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग घर आ चुके हैं और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी पड़ी हुई है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कोई रहता नहीं, तो इसकी वजह से और धूल मिट्टी हो जाती है। अभी मैं होली के समय आई हुई थी, तो यहाँ लिपाई पोताई करके गई थी, लेकिन तब से मैं नहीं आई हुई हूँ। अब जो है खेती का काम है, तो इसकी वजह से और यहाँ पर रुकना पड़ा है। तो बड़ा मुश्किल होता है गांव में रह के खेत और घर देखना, और इस टाइम खेती और घर का काम दोनों है, तो बहुत संभालना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि अभी जो है मैंने होली के समय सफाई करके गई थी, फिर भी आप लोग देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा मिट्टी यहाँ पर निकल रही है, क्योंकि ये कच्चा घर है, नीचे ज़मीन बिल्कुल ऐसे ही पड़ी हुई है, फर्श नहीं है, तो इसकी वजह से और धूल मिट्टी निकलती है। और इस कमरे में सारा सामान रखा हुआ है, तो इसमें मैं अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ जहाँ तक मैं लगा सकूँगी, क्योंकि सामान रखा है तो ये इतना भारी सामान है, तो इसको मैं तो उठा तो सकती नहीं हूँ, तो जहाँ तक मैं लगा पा रही हूँ वहाँ तक मैं लगा लेती हूँ। यहाँ तक कि यहाँ पे दरवाजे जो होते हैं उन पर धूल चढ़ गई है, तो उनको भी मैं झाड़ झाड़ के सफाई कर रही हूँ। और थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा समय लगा था झाड़ू लगाने में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ, तो हमें लगा चलो मैं यहाँ पे थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो गया है।
तो मैं पहले चाय बनाऊंगी और उसके बाद में थोड़े से पापड़ हैं उनको मैं भून लूंगी, क्योंकि जो है पहले मैं पापड़ ही भूनूंगी, चाय बाद में बनाऊंगी, क्योंकि अभी वो लोग आए नहीं हुए हैं, वो अभी जो है खेत में गेहूँ बांध रहे हैं, तो इसकी वजह से हमें लगा पापड़ मैं भून के रख लेती हूँ और उसके बाद में जब तक वो आएंगे तब तक मैं चाय बना लूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ गांव में हम लोग चूल्हे में ही खाना बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे गैस की सुविधा नहीं है। वैसे तो सिलेंडर है हमारे पास लेकिन यहाँ ईंधन इतना ज़्यादा है तो चूल्हे में ही बनाना हम लोग पसंद करते हैं, क्योंकि चूल्हे का खाना जो है रोज़ तो मिलता नहीं है यहाँ पे। वहाँ भी सुविधा है चूल्हे में बनाने की लेकिन वहाँ जो है छत पर बनाना पड़ता है, यहाँ नीचे ही आराम है तो नीचे आराम से बना लो। यहाँ पर सिर्फ इतनी दिक्कत है कि पानी जो है घर पर नहीं है, पानी जो है दूसरी जगह से लाना पड़ता है, तो बस यही जो है सबसे बड़ी दिक्कत है। तो यहाँ पर मैं पापड़ भून रही हूँ तो यही होता है फ्रेंड्स, मतलब काफ़ी लेट हो गए हैं और यहाँ पे जो दोपहर हो जाती है ना तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है चूल्हा जलाने में, क्योंकि पूरा जो है घर जो है ऐसा लगता है पूरा घर जो है गर्म हो चुका है। तो पापड़ हमारे भून चुके हैं, यहाँ पे मैं रख देती हूँ चाय, तो खाना मैं बाद में बनाऊँगी, पहले मैं चाय और पापड़ बना के यहाँ पे सबके लिए दे देती हूँ। तो चाय मैंने थोड़ी ज़्यादा ही बनाई हुई है क्योंकि पापड़ जो है चाय के साथ बहुत ज़्यादा, चाय पापड़ों के साथ कम पड़ जाती है, इसकी वजह से चाय मैंने थोड़ी ज़्यादा बना ली है। और ये दूध जो है मैं घर से लेके आई हुई हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो हमारा कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलती हूँ आप लोगों को अगले किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।